इधर देखिए इधर कैमरा करते हैं। बच्चों आज मैं तुम लोगों को ग्यारहवीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ विषय और कौन कौन सी चीजें ग्यारहवीं कक्षा में तुम लोगों को पढ़ाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गद्य और पद्य के अंश ग्यारहवीं कक्षा में है, गद्य में कई पाठ हैं और सुप्रकार पद्य में भी सूरदास और लीला वाला करते हुए कई पाठ हैं। इसके साथ ही गद्य और पद्य के साथ ही व्याकरण का अंश है और व्याकरण के अंश में संज्ञा संज्ञा से उठा करके भी विमोचन का अर्थ इत्यादि जो है व्याकरण के अंश तुम्हों के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व काल अर्थात वीर गाथा काल से लेकर के गीत काल तक का अंश तुम लोगों के पाठ्यक्रम में है। ये तुम लोगों का एक पूरा सिलेबस है जो तुमको एक ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा या पढ़ना है। आज मैं तुम लोगों को कुछ हिंदी के महत्व के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा का अपने आप में महत्व है। इस देश की 90% से ऊपर जनता हिंदी को ठीक समझती और सुनती है और हिंदी में अपने कार्यों को करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपूर्ण देश से जुड़ना चाहता है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब मेरा बनना हिंदी भाषा के अच्छे ज्ञान से तुम देशभर के लोगों के साथ जुड़ सकते हो। एक अच्छा हिंदी जानने वाला व्यक्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। दूसरी बात यह कि राष्ट्रभाषा से संबंध रखने के कारण या देश के बड़े भाग में बोली जाने वाली भाषा होने के कारण इस भाषा का अत्यंत महत्व है। तो ये नहीं तो हिंदी की बात की राष्ट्रभाषा है, इसको जानना सुनना और समझना चाहिए। केवल यही बात नहीं है, ऐसे भी भाषाओं को जानना अच्छी चीज भी होती है, कोई बुरी चीज नहीं होती। अब चल रहा है ऐसा कि मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा वगैरह दी जाएगी, इससे भी जो है हिंदी भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व बढ़ जाएगा। मातृभाषा में अगर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी तो हिंदी और उसके साथ जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं का महत्व अवश्य बढ़ेगा। ये विषयांतर में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी तुम लोगों को हिंदी के 11वीं कक्षा के हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया, जिसमें गद्य का पहला पाठ मेरे राम का पुत्र ही रहा है पाठ है। बच्चों तुम लोगों के सिलेबस का एक बड़ा पाठ है गद्य का मेरे राम का पुत्र रहा है। इस निबंध के लेखक श्री विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रकांड पंडित हैं। अभी कुछ समय पूर्व ये उनका देहांत हुआ है। ये गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर के पकड़ बिहार नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। संस्कृत पर उनका बड़ा अधिकार था और बड़े पंडित प्रतिभा के थे, इसीलिए इनको महापंडित भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी में बहुत सारे रचनाएं की हैं, जैसे उनकी छाम, बंजारा मन, मेरे बराम का भी रहा है। ये सब उनके ललित निबंध और ललित निबंधों के क्षेत्र में विद्यावास मिश्र जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ललित निबंध से तात्पर्य यह है कि इसमें निबंधकार किसी विषय वस्तु का चुनाव नहीं करता है, किसी स्थानीय या किसी सांस्कृतिक के या किसी लौकिक स्थिति या महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को लेकर अपना निबंध लिखता है और पूरी आजादी के साथ विषयांतर करता हुआ नाना प्रकार की चीजों पर चलते हुए वो निबंध अपना लिखता है। अब इस निबंध में देखो, मेरे राम का भी कहा है, राम कौन है ये तुम जानते ही होगे। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के वाहक, भारतीय संस्कृति के उद्गाता, भारतीय संस्कृति के आदर्श, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श आदर्श की जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं वो भगवान राम में पाई जाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिसको सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्तियों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अब तक ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदर्श लेकर चलने वाले थे और इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इन्होंने नल से यात्रा करके नारायण का सफर पूरा किया। नल से नारायण बने तो नहीं, भगवान श्री राम को जिनके ऊपर बहुत सारे भारतीय भारतीय साहित्य में, संस्कृत में या हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में भगवान राम के ऊपर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण और हिंदी में तुलसीकृत रामचरित मानस, ये दो महान ग्रंथ हैं जिनमें भगवान राम का जीवन और चरित्र के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, उनके आदर्श और जीवन के बारे में, जीवन की यात्रा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब जब भगवान राम की बात आती है तो भगवान राम के जो राम कथा को जानते हैं वो लोग राम वन गमन के बारे में भी जानते हैं। भगवान राम हुए तो राम का वन गमन भी हुआ और वो वन गमन कितने सालों के लिए हुआ, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, 14 वर्षों के लिए हुआ। राज्य को छोड़ करके छोटे भाई और पत्नी को लेकर के भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ करके जंगली रास्ते से होते हुए लंका तक की यात्रा की अपने 14 वर्षों में। तो भगवान राम ने केवल यात्रा ही नहीं की, एक आदर्श का प्रचार भी किया, भारतीय संस्कृति के आदर्शों का प्रचार और प्रसार भी किया। उन्होंने अन्याय का दमन भी किया, अत्याचारियों का संहार भी किया। भगवान राम के जीवन में ये भी चीजें आई। बच्चों तुम लोग जानते होंगे कि भगवान राम ने रावण का वध किया, तो रावण को भी पुतला करता था। रावण उस समय के अत्याचार का, नृशंसता का और संहार कार्य का प्रतीक था। भगवान राम ने सेना सहित उसका वध किया और संसार में देवत्व की स्थापना की, मनुष्यत्व की स्थापना की, मनुष्यता की स्थापना की, मानवीयता के आदर्शों की प्रतिष्ठा की। यद्यपि वो नारायण थे लेकिन संसार में उन्होंने आदर्श मनुष्यता की प्रतिष्ठा की, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ।
first मानव जीवन मानव संस्कृति मानव सभ्यता मानव के सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा भगवान श्री राम ने की। ये तो राम के बारे में मैंने तुमको बताया, ये भी तुम जानते हो कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था, राजा दशरथ, माता का नाम कौशल्या, और उनकी दो और भी माताएं भी थी जिनका नाम कैकेयी और सुभद्रा भी था। तुम लोग ये भी जानते हो कि कैकेयी के ही वजह से या कैकेयी के ही कारण भगवान श्री राम को वनवास मिला था। अब यहाँ पूरा रामचरित मानस का प्रसंग नहीं है, लेखक ने एक मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा उठाया, एक बड़ी ही संवेदनशील चीज पर चर्चा की। चर्चा ये है कि जैसे माता होती है तो हर माता को एक ही समान होती है, हर माता का हृदय एक ही तरह का होता है, चाहे वो राम की माता कौशल्या हो या हमारी या तुम्हारी माता हो, हमारी या तुम्हारी माता के हृदय में भी हमसे और तुमसे उतना ही प्रेम है, उतना ही स्नेह है, उतना ही आर्द्रता है जितना भगवान राम के उनकी माता कौशल्या के हृदय में होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान राम की माता ज्यादा स्नेह करती थी और तुम्हारी माता कम स्नेह करती थी। और जब किसी माता का कोई पुत्र विदेश चला जाता है, किसी कारणवश वो अपने देश और गांव से बाहर चला जाता है, दूसरी जगहों पर चला जाता है, तो माता का हृदय हमेशा दौड़ता रहता है, माता का हृदय हमेशा कांपता रहता है। कारण क्या है? इसलिए कि माता के हृदय में हमेशा एक दुश्चिंता बनी रहती है, एक दुश्चिंता बनी रहती है कि मेरा पुत्र वहां पर कैसा होगा, कैसे रह रहा होगा, ठीक से भोजन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, कहीं आंधी तूफान और बारिश ना आया हो, कहीं मेरा बच्चा भीग नहीं रहा हो, कहीं मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा हो, कहीं उसका कोई काम बिगड़ गया हो, इत्यादि तरह तरह की चिंता, सोच और दुश्चिंता माता के हृदय में होती है। ठीक है, तो माता का हृदय जो है वो अपने संतान के लिए, अपने पुत्रों के लिए हमेशा स्नेह सिक्त रहता है। और कहा जाता है कि जो आदमी जिस व्यक्ति से जितना ही अधिक स्नेह करता है वह उसका उतना ही अमंगल सोचता है। मजे वाली बात है कि तुम अगर किसी से ज्यादा ही स्नेह करोगे, किसी जितना ज्यादा स्नेह करोगे तो तुम उसका अच्छा कम सोचोगे, अमंगल ज्यादा सोचोगे, कहीं ये मत हो गया हो, कहीं वो मत हो गया हो, कहीं ऐसा मत हो, कहीं ऐसा मत हो जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जिससे तुमको कोई स्नेह और प्रेम नहीं है, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, वो बल्कि अच्छा ही सोचता है। लेकिन माता या पिता जो भी वो तुम्हारे स्नेही और संबंधी है या सगे और संबंधी है या कुटुंबी जन है, और उसमें विशेष करके माता अपने पुत्र के लिए कभी अच्छा सोच नहीं पाती, वो यही सोचती रहती है कि ठीक से खा रहा होगा, कोई ठीक से रह रहा होगा, कितना दूर गया है, कोई बीमार न पड़ गया, तरह तरह की बातें माता के हृदय में आती है। ये प्रसंग है भगवान राम को वनवास हो गया है, और तुम जानते हो कि भगवान राम को वनवास किसने दिया था, कैकेयी ने दिया था। कहते कैकेयी महाराज दशरथ की दूसरी रानी थी और उनके पुत्र का क्या नाम था, भरत, उनके पुत्र का नाम भरत था और माता का नाम कैकेयी। कैकेयी की ही वजह से भगवान राम को वनवास मिला। और तुमको एक और प्रश्न याद दिला दे कि भगवान राम के वन गमन करते ही महाराज दशरथ का देहांत हो गया, उन्होंने भगवान राम के विरह में और प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए, भगवान राम वन चले गए। माता कौशल्या की तो इच्छा ये थी कि मैं भी अपने पुत्र के साथ वन चली जाऊं, लेकिन जो उस समय का राज परिवार का जो आदर्श था और रानियों का जो आदर्श था उसका पालन माता कौशल्या ने किया, वो राजमाता थी और वो किसी तरह अपने हृदय को दबा करके, अपने हृदय को पकड़ करके वो अयोध्या में आ गई। जो रामचरित मानस पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि माता कौशल्या भी राम से कई बार निवेदन करती हैं कि बेटा हमको भी अपने साथ लेकर चले चलो, मैं
अयोध्या में नहीं रहना चाहती, मैं अयोध्या के राजभवन में नहीं रहना चाहती। जैसे भी वो कुमार श्रीराम ने माता को समझाया कि बहुत दिनों की बात नहीं है, 14 वर्ष की बात है, मैं फिर आऊंगा, फिर तुमसे मिलूंगा, और हृदय पर पत्थर रख करके माँ कौशल्या ने भगवान राम को वन जाने दिया। भगवान राम को वन चले गए, लेकिन माता के हृदय की दुष्टता का क्या है? और माता कौशल्या का हृदय इस असंख्य मानव असंख्य माताओं का, करोड़ों हृदय माताओं के हृदय का प्रतीक है। माता कौशल्या का हृदय केवल एक माता का हृदय नहीं है, वह बहुसंख्यक या असंख्य माताओं के हृदय का प्रतीक है। माँ कौशल्या के हृदय में जो उठता है वो बहुसंख्यक माताओं के हृदय में उठता है। और जब किसी माता का कोई पुत्र बारिश में भीगता है तो वह माता क्या करती है, एकांत में या चुपचाप रोती ही रहती है, बिसुखती है, रोती है, उसे दुख होता है अपने पुत्र के। तो माँ कौशल्या के इस निबंध काल में जगत की माता के हृदय के साथ जोड़ दिया। जो माता कौशल्या का हृदय है वही जगत की माताओं का हृदय। माँ कौशल्या अपने राम के बारे में जो सोचती हैं वही जगत की माताएं अपने पुत्रों के बारे में सोचती हैं। जिस किसी का भी पुत्र प्रवासी हो गया हो, विदेश चला गया हो, माता से किसी प्रकार दूर चला गया हो, तो उस माता का हृदय वही होता है जो माँ कौशल्या का हृदय होता है। ठीक है कि ये बात भी अब तरह की मेरे राम का मन ही रहा है, यह चिंता किसको होती है? यह चिंता दो लोगों की होती है, एक लोकमानस को होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि राम नर श्री नारायण है या नर रूपी नारायण है। राम नर श्री नारायण या नर रूपी नारायण है, कह रहा है कि मेरे राम का मन ही रहा है। यह चिंता दो लोगों की होती है, एक को कौशल्या माँ कौशल्या को होती है कि कहीं बारिश में मेरे राम का मुकुट या मेरे राम भी को नहीं रहे, और दूसरी चिंता किसकी होती है, जिसके हृदय में राम प्रतिष्ठित है, जिनको राम से प्रेम है, और राम से प्रेम किसको है, यह असंख्य मानव जाति को भगवान श्री राम से प्रेम है, क्योंकि भगवान श्री राम सबके आत्मा है, सबके हृदय है, सबके प्रेम पात्र है, सबके प्रेम के प्रतीक है। जाके प्रिय राम गए ही तजिए ताहितो की वैरी सब जब तक परम स्नेही, जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों वैरी की तरह त्याग देना चाहिए, यद्यपि वो परम स्नेही ही क्यों न हो। तो राम से प्रेम माता को सुना ही नहीं करती है। राम जी जो अनंत जन समुदाय है, ये जो अपार जन समुदाय भगवान को उसका है, यह सब भगवान श्री राम को सम्मान करता है, आदर देता है, अपना आदर्श राजा मानता है, अपना परमात्मा मानता है, अपना स्वामी मानता है, अपना प्रभु मानता है, और दुख और सुख का साथी मानता है, दुख और सुख का साथी मानता है। तो ये है भगवान राम, जिनके प्रति भारतवर्ष में इस प्रकार की भावना मिलती है। दूसरी बात ये, अब यहाँ विश्राम पर न करके यहाँ पर इधर आ जाओ, इस प्रश्न पे कि माता कौशल्या का हृदय और लोक माता का हृदय, लोक में जितने भी लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके हृदय में भी भगवान राम की उतनी ही दुश्चिंता होती है। भक्त के हृदय में भी भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं की प्रतिक्रिया होती है। अगर भगवान वर्णन घूम रहे हैं तो भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे माता को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका लड़का वर्णन घूमे, उसी प्रकार एक भक्त को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके भगवान वर्णन घूमे। ये भारतवर्ष का जो अपार जन समुदाय है, ये भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा रखता है, राम की कथाओं को पढ़ता है, राम के आदर्शों का अनुगमन करता है। ये जरूर है कि आज भगवान राम के आदर्शों का अनुगमन कम हो गया है, लेकिन भगवान राम का अनुगमन करने वाले आज भी इस देश में कौशल्या लोग हैं। और कभी भारतीय संस्कृति अपने
अपने प्रवाहमान रूप से अविरल शक्ति चली जा रही है। भगवान राम के आदर्शों को मानने वाले, समझने वाले, सुनने वाले, जानने वाले लोग हैं और यही लोग संस्कृति की या सभ्यता की आधार भूमि। ठीक है, ये भगवान राम की बात थी। और एक और पूछ लिया कि मेरे राम का मुख ठीक रहा है, हमने भी बताया कि जो है भगवान राम के मुख के ठीकने से किन किन लोगों में क्या प्रतिक्रिया होती है या राम के मुख का ठीकना किसका होती है। राम का मुख क्यों ठीक रहा आपको जानते हो तुम लोग, राम का ठीक रहा क्योंकि राम वनवासी थे, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के ऊपर अवसर हो चुके थे। ठीक है, और ये वनवासी राम, वनवासी राम का जो है भूत का ठिकाना है, बोलते थे ये वनवासी राम के मुकुट का भीगना है। मैंने कहा था जो है कि मुकुट दो लोगों के हृदय में दो प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और सबके चूंकि राम समस्त की आत्मा थे इसलिए सबके हृदय में राम के वन गमन का दुख है और पीड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है लोक मानस की और दूसरी महत्वपूर्ण बात है माता कौशल्या। माता कौशल्या विसुर रही है, दुखी है अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के भीगने की चिंता है, उसके मुकुट अर्थात उसके ऐश्वर्य के भीगने की चिंता है, तो लोक मानस को भी चिंता है क्योंकि लोक मानस में भी राम राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित। ठीक है, आगे अगले दिन जो है तुम लोगों को जो है इस विषय को थोड़ा पढ़ लेना, पुस्तक में राम का मुकुट भी रहा है, इस चैप्टर को एक बार रीडिंग कर जाना, अगले क्लास में आऊंगा तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी।